सरकार की ओर से पिछले 5 वर्षों से मिल रहे लगातार आश्वासनों से तंग आए जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। बुधवार रात से शुरू हुई हड़ताल अब तक 3 बार आगे बढ़ चुकी है। वहीं कर्मियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल खत्म नहीं होने दी जाएगी। हालांकि प्रशासन व हड़ताली कर्मियों में कई बार वार्ता के दौर चले मगर हर बार वार्ता विफल हुई। प्रशासन इन कर्मियों की मांगों पर गौर करने के लिए और समय मांग रहा है, जबकि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का कहना है कि पिछले 5 वर्ष से समय ही तो देते आए हैं, इसीलिए अब समय नहीं मिलेगा। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का फैसला अब मौके पर ही करना होगा। हड़ताल मंगलवार रात 8 बजे तक बढ़ चुकी है और अगर प्रशासन ने इन कर्मियों के बारे में फैसला नहीं लिया तो हड़ताल और बढ़ाई जाने की पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने चेतावनी दी है।